हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अगला स्टार पैटर्न प्रिंट कराना सीखेंगे जावा लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लास बनानी है, ठीक है। और यहां पे लिखता हूं मैं क्लास स्टार 8, ठीक है। इस नाम से हमने क्लास बना ली और यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगा लीजिए। फिर यहां पे लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें हम पास करेंगे आर्गुमेंट। तो यहां लिखता हूं स्ट्रिंग args, ठीक है। यहां पे आर्गुमेंट पास कर दिया, यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगा लिया। अब यहां पर हमें क्या करना है वो आपको ध्यान से समझना है, इतना तो कॉमन है। अब यहां पे फॉर लूप लगा लीजिए, ठीक है। ये लगा लिया हमने फॉर लूप। एक वेरिएबल बनाएंगे हम इसी फॉर लूप के अंदर इंट टाइप का, इंट आई बना लिया हमने और आई में इनिशियलाइज कर दिया 1, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू, कहां तक चलाएंगे इस लूप को, मान लीजिए 6 तक चला रहे हैं हम, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर एक और लूप यानी नेस्टेड लूप फॉर लिखा हमने और यहां पे लिखा जे इज इक्वल टू 1, यानी जे में इनिशियलाइज किया शुरू में क्या 1, ठीक है। जे इज लेस देन इक्वल टू आई करेंगे, ठीक है। जे इज लेस देन इक्वल टू आई कर दिया और यहां पर जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और यहां पर लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना ली। फिर यहां पे प्रिंट करवा देते हैं अपना रिजल्ट। तो यहां लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। ये प्रिंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली स्टार इसके अंदर लिख देना है। तो स्टार सिंबल मैं लिख देता हूं क्योंकि हम स्टार पैटर्न ही प्रिंट करवा रहे हैं, तो यहां स्टार लिख दिया, ठीक है। यहां तक तो क्लियर होगा। अब यहां पर जैसे ही नीचे हम आएंगे तो पहला कर्ली ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। फिर यहां पर सिस्टम एक बार स्टार एक बार स्पेस प्रिंट कराना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लाइन भी चेंज होनी चाहिए तो यहां पे एलएल लिखता हूं, ठीक है। और इस बार हम स्पेस प्रिंट करा रहे हैं तो कुछ भी नहीं लिखता, स्पेस लिख देता हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये स्पेस लिख दिया हमने और यहां पर पहला कर्ली ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज, दूसरा कर्ली ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। फिर यहां पर अब फॉर लूप लगाएंगे हम, तो यहां पे फॉर लूप लगा लेते हैं। यहां लिखता हूं फॉर और आई की वैल्यू को फिर स्टार्ट करेंगे हम, कहां से आई की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। और आई इज लेस देन इक्वल टू सेम वही चीज कि आई इज लेस देन इक्वल टू 6 करेंगे, ठीक है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू 6 कर दिया हमने और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट से बॉडी बना ली। फिर यहां फॉर लूप लगा लिया हमने। फॉर लूप लगाने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जे का इनिशियलाइजेशन करना है। तो जे में इनिशियलाइज कर दिया 6 जे। अब इस बार क्या करेंगे, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे आई, ठीक है। जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई कर दिया और यहां पे जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बजाय डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये डिक्रीमेंट करवा दिया हमने और लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना ली। और फिर यहां पे प्रिंट करवा देंगे अपना रिजल्ट, तो यानी कि लगाना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एलन नहीं लगा रहा, ठीक है। और ये हमने करा दिया प्रिंट और फिर यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। फिर यहां पर एक बार स्पेस भी प्रिंट करवाना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस बार एलन, ठीक है। स्पेस प्रिंट करवाना है तो एलन और यहां पे पहला कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। कितने कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज होंगे, एक पहला हमने क्लोज कर दिया यहीं पे और दो कर्ली ब्रैकेट और हमको क्लोज करने हैं, तो एक ये दो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ओपन है, 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 कर्ली ब्रैकेट ओपन है, 6 को क्लोज करना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 क्लोज 2 क्लोज 3 4 5 6 को क्लोज हो गए। और अब इसको स्टार 8 के नाम से सेव करना है, तो इसको सेव करता हूं। मैंने एक फोल्डर बनाया है माई पैक के नाम से डेस्कटॉप पे, इसी के अंदर इसे सेव कर रहा हूं स्टार 8, ठीक है। जिस नाम से आप क्लास बनाएंगे उसी नाम से आप इसको सेव भी करेंगे, स्टार 8 डॉट जावा, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर दिया हमने सेव और यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर करने में थोड़ी सी गलती कर दी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। आप ये गलती नहीं करिएगा, आप इसको सेव करता हूँ, अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से सीएमडी करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा से ओपन करता हूँ और यहां से अब सीडी डेस्कटॉप, ठीक है, फाइल हमारी डेस्कटॉप पे है सीडी, और माई पैक के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, उसी में हमारी फाइल रखी हुई है। तो यहां आ गए, अब यहां लिखता हूं जावा सी
और फाइल का क्या नाम है, जो भी फाइल का नाम है वो यहाँ पे दे दीजिए आप, स्टार 8.java यही नाम है। तो यहाँ पे स्टार 8.java कर दिया हमने, अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा फाइल कंपाइल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रन करवाने की बारी, तो यहाँ आपको सिर्फ लिखना है जावा स्टार 8.java नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। तो जैसे ही करेंगे तो ये पैटर्न प्रिंट होकर आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी तब्दीली हम कर देते हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा 8, 6 दिख रहा है। ठीक है, अगर आप 8 पहने तो आपको यहां लिखना होगा 8। ठीक है, 8 लिख दिया, और यहां पर भी आपको लिखना होगा 8। ठीक है, और यहां पर भी लिखना होगा 8। थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूं मैं इसमें, और आप देख सकते हैं कि ये कैसे प्रिंट हो जाएगा। अब इसको सेव करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन ही है, इसको हम दोबारा से रन करवाने वाले हैं, पहले कंपाइल करवाएंगे। तो यहां लिखा हमने जावा सी स्टार 8.java, तो पहले कंपाइल हो जाएगा, ये हो गया कंपाइल सक्सेसफुली। और अब यहां पे लिखेंगे जावा और स्टार 8, सिर्फ इतना ही। और यहां पे देख सकते हैं यहां पर 6 और यहां पे 8 लाइन का पैटर्न प्रिंट होकर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।